brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. इस इलेक्शन में रूलिंग पार्टी की तरफ से कुछ स्ट्रेटेजिक मिस्टेक्स हुए, हाँ, इसीलिए मैं इस इलेक्शन को मोदी वर्सेस मोदी मानती हूँ कि मोदी जी के अगेंस्ट वोट है, किसी के बहुत फेवर में वोट मुझे ऐसा नहीं दिखता है। ऐसा कोई बहुत नैरेटिव बिल्ट नहीं हो पाया जैसे फर्स्ट टाइम में अच्छे दिन नैरेटिव था, सेकेंड टाइम में पुलवामा के चलते हो पाया। जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टर्नआउट है उसके लिए वेव चाहिए होती है। सेकेंड चीज है कि है या नहीं, पहले तो नहीं, मुझे कहूंगी कि वेव नहीं है। लोकसभा चुनाव की बड़ी कवरेज आप न्यूज तक पर देख रहे हैं, आप चाहे वो न्यूज तक नुक्कड़ हो या फिर देश से आ रहे अलग अलग राय जो आपको देखने को मिल रही है, पॉलिटिशियंस क्या कह रहे हैं, क्या विवाद चल रहा है, स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं, यूथ क्या कह रहा है, यूथ को अफेक्ट करने वाले मुद्दे कौन से हैं, इन सभी के बारे में हम बात कर रहे हैं। इस कड़ी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं टीचर्स, प्रोफेसर्स, जो खुद भी राय रखते हैं और राय फॉर्म भी करते हैं स्टूडेंट्स की। बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ तक पर शुभ्रा रंजन जी का। शुभ्रा रंजन जी, आप जानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस की टीचर हैं और मेंटर इन्हें माना जाता है, खासतौर पर यूपीएससी की जब हम पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं। अब जब पॉलिटिकल साइंस की बात है तो बहुत सारे पॉलिटिकल सवाल भी होंगे, लेकिन एकदम बिना कैमरा शाये नहीं है बिल्कुल भी ये इंटरव्यू, बिल्कुल कैंडिड। और सबसे पहले अगर मैं पूछूं कि आप ही वो लोग हैं जो ब्यूरोक्रेट्स बनाते हैं, जो स्टूडेंट्स को वो एम्पावर करते हैं कि वो ब्यूरोक्रेट्स बने, वो वोकल रहें, अपने इश्यूज कहें, और कल को जब वो ब्यूरोक्रेट बन जाते हैं, अफसर बन जाते हैं, उन पर वो काम भी करें, फिर ना सिर्फ क्या मुद्दे उठाएं कल उन पर काम भी करें। Correct. तो आप बताइए कि जब आप स्टूडेंट्स से बात करते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं, लगता है कि स्टूडेंट्स एम्पावर्ड हैं, अवेयर हैं अपने इशूज़ को लेकर? देखिए, जब वो शुरू में आते हैं तो उतने अवेयर नहीं लगते, लेकिन एक विषय को जब वो पढ़ते हैं और खासकर जब राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं ना, तो उनकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली बढ़ जाती है। फिर जब वो यूपीएससी प्रिपरेशन करते हैं तो पूरा यूपीएससी की प्रोसेस में यही तो बेस्ट है कि आप इंडिया की इकोनॉमी, कल्चर, ज्योग्राफी, कई चीज़ों को आप जान जाते हैं। तो ऑब्वियसली एक जो इंटरेस्ट है, रुझान है, अवेयरनेस है, बढ़ती है। लेकिन अगर मैं बिल्कुल पॉलिटिकल बात पर आ जाऊं, हम लोग देश के अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं। Correct. हमें एक तस्वीर जो देखने को मिली वो ये कि आजकल जो यूथ है या फिर जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं, वो लोग सांसद के चेहरे को ना देखकर वो एक बड़े चेहरे को भी देखने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें इस बात से फ़र्क पड़ता है कि ना सिर्फ हम अपने क्षेत्र में किसको बिठा रहे हैं बल्कि हम देश में किसको उस गद्दी पर बिठा रहे हैं, उससे फ़र्क पड़ता है। आपको क्या लगता है कि जब वोटर्स वोट करने जाते हैं, खासतौर पर युवा वोटर्स, क्योंकि उनका पहला वोट होगा, दूसरा वोट होगा, तीसरा वोट होगा, वो लोग जब वोट करने जाएँ तो सांसद के चेहरे को देखें या वो जो बड़ा चेहरा है? अगर मैं साफ तौर पर कहूं कि अगर बीजेपी के लिए वोट करने जाते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा देखते हैं, कांग्रेस के लिए या फिर इंडिया अलायंस के लिए वोट करने जाते हैं तो राहुल गांधी का चेहरा देखते हैं, हालांकि उन्होंने चेहरे का अनाउंसमेंट जो है वो औपचारिक तौर से नहीं किया है, लेकिन मोदी वर्सेज राहुल की ये पूरी जंग जो है वो अब वैसी बन गई है। देखिए, अगर हम बात करें, भले हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है लेकिन प्रैक्टिकली जो इलेक्शंस शुरू से ही रहे हैं वो बहुत ही प्रेसिडेंशियल टाइप रहे हैं। अच्छा। प्रेसिडेंशियल इन द सेंस कि जहाँ पर एक व्यक्तित्व का महत्व होता है, जो एक मेन लीडरशिप है, तो शायद एक सांसद को उतने अच्छे से लोग नहीं जानते या उससे उतना रिलेट नहीं करते, बिकॉज पॉलिटिकल पार्टी का जो फेस है वो ही अल्टीमेटली शेप करता है इंडियन पॉलिटिक्स में, चाहे वो नेहरू का टाइम हो, चाहे गांधी का टाइम हो, चाहे मोदी जी का टाइम हो। तो ऑब्वियसली दिस लीडरशिप और जो मेन चेहरा है वो ही चेंज करता है, वही बनाता है यूथ का जो ओपिनियन है। दैट इज़ व्हाट आई फील, स्पेशली जिस वर्ग के बच्चों को मैं डील करती हूँ, बिकॉज वो यूपीएससी प्रिपरेशन करने के कारण दिल्ली में रहते हैं, तो अपने वो लोकल एरिया में वैसे भी उतना प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व नहीं रहते हैं, तो इस वर्ग के बच्चों के लिए तो फेस मैटर्स, लीडरशिप मैटर।
लीडरशिप मैटर्स. लेकिन अगर मैं अपने सवाल की तरफ वापस जाऊं कि सांसद, क्योंकि सांसद आपके क्षेत्र का होता है, आपके मुद्दे उठाने का जिम्मा उसी पर होता है, तो आपको लगता है कि वो जो बड़ा चेहरा देख रहे हैं उसमें कुछ गलत नहीं है कि आप एक बड़े चेहरे को देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि देश को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, सांसद का चेहरा भी देखना चाहिए, उनके भी काम देखने चाहिए, ऐसा लगता है आपको? एक्चुअली बिकॉज इंडिया में हम देखते हैं कि इट ऑलवेज पॉलिटिक्स जो है वो पर्सनैलिटी के अराउंड रिवॉल्व हुई है. और अगर मेरी पार्टी का कोई सांसद है तो वो आपस बट नेचुरल है कि वो हमारी आइडियोलॉजी का रिफ्लेक्शन होगा, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क उससे नहीं पड़ता है. फ़र्क उनको पड़ता है, इस एज ग्रुप के लोगों को उतना नहीं पड़ता है. फ़र्क पड़ता है जो ग्राउंड पर लोग हैं या जो एक लोअर सेक्शन से आते हैं, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ इन चीज़ों पर काफ़ी डिपेंडेंट होते हैं. और मेरे हिसाब से दे आर सपोज टू बी मोर सीरियस वोटर्स, जिनका दिन प्रतिदिन सरकारी नीतियों से, सरकारी प्रोग्राम से वास्ता पड़ता है. और हम जिस वर्ग के लोगों से ज़्यादातर इंटरेक्ट करते हैं, जिसको आप स्टूडेंट्स कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो उस वर्ग का उतना प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं. ठीक है, तो इसलिए शायद उनके लिए सांसद कौन है उतना मैटर नहीं करता है. प्लस ये एक एजुकेटेड सेक्शन है जो काफ़ी कुछ बुक्स में है, काफ़ी कुछ थियोरीज को वो जानते हैं, तो इनका इम्पैक्ट जो है वो आइडियोलॉजी से काफ़ी शेप होता है, लीडरशिप से काफ़ी शेप होता है. क्योंकि आपने आइडियोलॉजी की बात की, आपको लगता है राहुल गांधी लगातार ये कहते आए हैं कि विचारधारा की लड़ाई है, उनकी विचारधारा ये है, हमारी विचारधारा ये है, आपको लगता है कि दोनों ही तरफ विचारधारा जो है वो बड़े कन्विंसिंगली दोनों अपनी बता पाए हैं? देखिए, विचारधारा की लड़ाई पॉलिटिक्स में होती है, लेकिन एक एंड ऑफ आइडियोलॉजी कॉन्सेप्ट भी है कि प्रैक्टिकली हम देखें तो लड़ाई बहुत विचारधारा की होती नहीं है. विचारधारा की तुलना में मैं ये कहूँगी कि पर्सनालिटी पॉलिटिक्स प्लेज अ बिगर रोल इन इंडियन सिस्टम. बिकॉज सपोज एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर है, इवन इफ दैट पर्सन चेंजेस हिज पार्टी और आइडियोलॉजी, आई डू नॉट सी दैट पीपल हैव एनी रिजेंटमेंट अगेंस्ट दैट. तो ये प्योर पॉलिटिक्स है. पॉलिटिक्स ऑफ आइडियोलॉजी की तुलना में पॉलिटिक्स ऑफ पर्सनालिटीज अगर बोला जाए, और जब जैसे कोल्ड वॉर एंड हुआ तो बहुत आइडियोलॉजी का उतना रेलेवेंस रहा नहीं बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन. अगर आपको इकोनॉमिक पॉलिसीज बनानी है तो इररेस्पेक्टिव कि आप किस पॉलिटिकल पार्टी के हैं, आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या आपकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज होंगी वो काफ़ी कुछ अभी इंटरनेशनली भी गवर्न्ड हो रही हैं. अब इंडिया में अगर हम बात करें विचारधारा की लड़ाई की, तो इररेस्पेक्टिव एक कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल साइंस में, कैच ऑल पार्टीज. कैच ऑल पार्टीज ये बताता है कि चूंकि वोटर्स को या पार्टीज को मैक्सिमम वोट्स लेने होते हैं, तो उनका हमेशा मैनिफेस्टो इसमें ऐसा आएगा जिसमें सभी के लिए कुछ ना कुछ होगा. तो कहने के लिए हम कह सकते हैं एक रिचुअल है, कि आप उसे आइडियोलॉजी की लड़ाई कहें, बट जिस तरीके से लोग इस पार्टी से उस पार्टी में जाते हैं तो वो एक डेमोक्रेसी का रिचुअल ज़्यादा मानिए. पर्सनालिटी की कॉन्फ्लिक्ट है, पावर का कॉन्फ्लिक्ट है, और बहुत स्कोप है नहीं आइडियोलॉजी का. अच्छा, ये जो आपने पर्सनालिटी सेंट्रिक पॉलिटिक्स की बात कही, आपने गांधी, नेहरू, प्रधानमंत्री मोदी की आपने बात की, आपको लगता है कि ये जो चेहरा है इस वक्त देश के सामने, प्रधानमंत्री हैं इस वक्त, 10 साल अपना काम का एक ट्रेलर ही नहीं, पूरी पिक्चर वो दिखा चुके हैं कि क्या हम में करने की क्षमता है और आगे क्या कर सकते हैं, आपको लगता है कि वो एक आम युवा के लिए, जनता के लिए वो उतना कन्विंसिंग है? या मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी कन्विंसिंग है, क्योंकि आपने देखा भी होगा कि युवाओं में उनकी फॉलोइंग है, और प्राइम मिनिस्टर युवा से कनेक्ट अच्छे से करते हैं, और शुरू से शायद उनका जो इलेक्टोरल टेक्निक्स भी रहे हैं, बिकॉज एवरीबडी अंडरस्टैंड भारत में एक डेमोग्राफिक डिविडेंट है. टेक्नोलॉजिकली किस तरीके से अभी इलेक्शंस में बहुत बड़ा रोल है टेक्नोलॉजी का, उनको कैसे एक्सेस करना है, तो ये एक पर्टिकुलर ग्रुप है
और पिछले दो इलेक्शंस में मुझे लगा कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं इन्होंने काफ़ी यूज़ किया इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का और इस पर्टिकुलर कनेक्ट को बनाने के लिए. तो आई विल से कि यस, जो एक ऑप्टिमल लेवल है उन्होंने किया है जी. और दूसरी तरफ जब हम राहुल गांधी की बात करते हैं, आपने कहा कि प्रधानमंत्री यूथ के साथ अच्छा कनेक्ट कर पा रहे हैं. दूसरी तरफ राहुल गांधी का आपको लगता है कि वो इमेज में को लोग कह रहे थे कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद, फिर न्याय यात्रा निकाली, उसके बाद कुछ हद तक जो है वो उनकी इमेज में सुधार आया, आपको ऐसा लगता है इमेज में सुधार आया, और क्या वो यूथ के साथ वो कनेक्ट बिठा पा रहे हैं? देखिए, वो ट्राई कर रहे हैं, अच्छी चीज़ है, और पहले से एक मैच्योर नेता के रूप में वो उभर रहे हैं. बट परसेप्शन जो है वो चेंज कर पाना एक बहुत चैलेंजिंग टास्क है. जो इनिशियल लेवल पर उनका जो एक परसेप्शन बना था जी. तो वो उतना मैच्योर या एक एक्सपीरियंस परसेप्शन नहीं बन पाया. तो आई बिलीव जो एक परसेप्शन को चेंज करना है ये बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य होगा. और देर इज़ अ कंसर्न, आई बिलीव ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट एंड लेट अस सी कि क्या होने वाला है लोगों में कैसा. बिल्कुल चुनावी बिल्कुल बात अगर हम करें तो मोदी वर्सेस आप राहुल कह लीजिए, या फिर एनडीए वर्सेस जो इंडिया अलायंस है उसे आप कह लीजिए, दोनों में से किस तरफ ज़्यादा दम जो है वो दिखाई पड़ता है? मैं ये कहूँगी कि वर्सेस का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस मुझे नहीं लगता है. ठीक है, तो ये जो लड़ाई है वो क्या, इसका मतलब ये है कि क्या आपको लगता है कि दूसरी तरफ जो एक ऑल्टरनेटिव इंडिया अलायंस ने देने की कोशिश की है? हाँ, मुझे ऐसे लगता है कि बहुत बड़ा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है. और अगर मान लीजिए कि पहले की तुलना में कम सपोर्ट है या कम वोटिंग हुई, तो इट बिकम्स मोदी वर्सेस मोदी. मे बी पीपुल मे बी Not, आप ये कह रहे हैं कि मोदी का कंपटीशन मोदी से ही है. हाँ, इट इज मोदी सेंट्रिक थिंग. अच्छा, अगर लोगों की नाराजगी है तो उनके कुछ एस्पेक्ट से है, उनके अगेंस्ट है, क्योंकि कोई भी उतना बड़ा नेतृत्व अभी भी वन मैन उस टाइप का हम पॉइंट आउट नहीं कर सकते हैं. यानी आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के, क्योंकि आप हम चेहरे की पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे, कि लोग चेहरे से प्रभावित रहते हैं, तो आपको लगता है कि मोदी के सामने कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो बराबर की टक्कर दे पा रहा है? हाँ, इसीलिए मैं इस इलेक्शन को मोदी वर्सेस मोदी मानती हूँ. कि हो सकता है कि कुछ लोगों के कुछ और एक्सपेक्टेशंस रहे हों, कुछ लोगों के एक्सपेक्टेशंस उतने फुलफिल नहीं हुए हों, तो मोदी उनके कार्य का इवैल्यूएशन, If people think good, they will vote. If they may not be satisfied, क्योंकि बहुत बड़ा अपोजिशन का कोई बहुत स्ट्रॉन्ग नैरेटिव, अपोजिशन का भी तो नैरेटिव जो है वो मोदी के अराउंड ही रिवॉल्व कर रहा है. तो दिस इज़ वॉट आई बिलीव कि बहुत जितना टफ, जितना स्ट्रॉन्ग, जितना बड़ा एक अपोजिशन में एक फेस होना चाहिए, शायद उतना भी है नहीं. आपने कहा कि जो ऑपोजिशन का पूरा नैरेटिव है वो मोदी के इर्द-गिर्द है, वैसे ही आजकल जो है कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि जो प्रधानमंत्री मोदी का नैरेटिव है वो भी हमारे इर्द-गिर्द घूम रहा है, उन्होंने इतनी बार कांग्रेस का जिक्र किया, ये सारी बातें उनकी तरफ से भी कही जा रही है. शायद मुझे भी ऐसा लग रहा है कि इस इलेक्शन में रूलिंग पार्टी की तरफ से कुछ स्ट्रेटेजिक मिस्टेक्स हुए, इन द सेंस कुछ ऐसे बयान आ गए जो कॉन्ट्रोवर्शियल हो गए, कुछ ऐसे एक्शंस हुए जो अपोजिशन पार्टीज थीं उसमें उनको कुछ सिंपैथी वेव मिलना या उनको कुछ नैरेटिव बनाने का मौका दिया गया. लोग कह रहे हैं कि जो अरविंद केजरीवाल की दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई, कहीं उससे भी कहीं ना कहीं जो सिंपैथी वेव है दिल्ली में खास तौर पर, वो अरविंद केजरीवाल की दिशा में जाती है या इंडिया अलायंस की दिशा में जाती है? आई थिंक मोर देन फेवरिंग एनी अदर, If people are going, it is more their displeasure with the government, you can say. और मोदी जी के अगेंस्ट वोट है, किसी के बहुत फेवर में वोट मुझे ऐसा नहीं दिखता है. अच्छा, हाँ, तो that's why I am saying it is a Modi's election against Modi. Fine. So मतलब पहले से कितना बेहतर कर पाएंगे वैसा है, 2019 versus 2024 है ऐसा है? Actually मुझे कोई बहुत मिराकल की ऐसे संभावना नहीं दिखती है, क्योंकि
किसी भी चीज में आपको कुछ जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना होता है, देन देयर हैज टू बी सम वेव, फाइन, दैट वेव पुश जो एक 14 में नजर आया था, 14 में था, 19 में पुलवामा के बाद में पर्टिकुलर वेव था. तो शायद ये सबसे बड़ा चैलेंज है रूलिंग पार्टी के लिए. ऑब्वियसली जब आप पावर में हैं तो एंटी इनकम्बेंसी सेंटिमेंट आप ही के खिलाफ होगा, क्योंकि आपसे ही एक्सपेक्टेशंस हैं. और ऐसा कोई बहुत नैरेटिव बिल्ट नहीं हो पाया जैसे फर्स्ट टाइम में अच्छे दिन नैरेटिव था, सेकेंड टाइम में पुलवामा के चलते हो पाया. इवन 2019 में इनिशियली बहुत अच्छी पोजिशन नहीं थी एंड अनएम्प्लॉयमेंट और ये सारे इश्यूज थे, लेकिन आफ्टर पुलवामा सडनली वो ग्राफ चेंज हुआ एंड पॉलिटिक्स में काफ़ी अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स चलते हैं. हाल में क्योंकि आप 19 और पहले की बात कर रही थी, 2024 में आपको लगता है कि वो मुद्दा राम मंदिर हो सकता है? राम मंदिर का जो मुद्दा था वो पिछले इलेक्शंस में हो चुका है, और राम मंदिर के मुद्दे में मुझे नहीं लगा कि अब बहुत कुछ एक्साइटमेंट बचा है, बिकॉज कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं है, बहुत एक्साइटमेंट नहीं है. जब शुरुआती टाइम में वो इश्यूज थे तब था, लेकिन राम मंदिर के मुद्दे का बहुत ज़्यादा लीवरेज ले पाएंगे ऐसा मुझे नहीं लगता है. अच्छा, ओके. और उसी से हटकर हम बात करें, हम राहुल गांधी का जिक्र कर रहे थे, उसके बाद कांग्रेस पार्टी में एक और चर्चित नेता हैं कन्हैया कुमार जी, उनका मुकाबला नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में है मनोज तिवारी से, जो 10 साल से यहाँ से सांसद हैं. आपको कहाँ दम नज़र आता है, या फिर मैं यूँ कहूँ कि कन्हैया कुमार एज अ पर्सनालिटी आपने इतने सालों से देखा होगा, चर्चा में रहे हैं अलग अलग कारणों की वजह से, गिरफ्तार भी हो चुके हैं, काफ़ी कुछ उन्होंने भी देखा है, आपको क्या लगता है एज अ पॉलिटिशियन कन्हैया कुमार कितना सक्सीड कर पाएंगे, क्योंकि बेगूसराय से सीट हारे थे वो पिछली बार? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जब एक व्यक्ति चुनाव जीतता है पर्सनालिटी रोल प्ले करती है, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ बहुत मैटर करती है, क्योंकि हम नंबर ऑफ टाइम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ को नहीं देखते हैं. तो केवल एक पर्सनालिटी के आधार पर भी हम ये नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि वो कितना अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि तिवारी जी के पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ है. और कह सकते हैं कि एग्जिस्टिंग पार्टीज में जो बीजेपी है उसका जो रीच है, उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ काफ़ी बड़ा है. तो पता नहीं, हालांकि इलेक्शंस बहुत अनएक्सपेक्टेड होते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेड भी होते हैं, बिकॉज आप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ पर जाते हैं, आप इंडिया में जो सोशल इंजीनियरिंग जिसको कहते हैं, कास्ट फैक्टर रहता है, रिलीजन फैक्टर रहता है, वो सारा कुछ प्ले करता है. तो अगेन वी हैव टू वेट एंड वॉच एंड नथिंग कंक्लूसिव कैन बी सेट. लेकिन मैं आपको डिप्लोमेटिक जवाब नहीं देने दूंगी. इसी से आगे जुड़ा मेरा सवाल यह है कि क्योंकि हम कन्हैया कुमार के बारे में बात कर रहे थे, चर्चित नेता हैं, और इस बार पिछली बार बेगूसराय से हारे थे, लेकिन एक बार फिर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से चुनावी मैदान में हैं. नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर कई इलाके हैं जिसमें मुखर्जी नगर भी है, जहाँ पर हम जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, स्टूडेंट्स का हब है पूरा वहाँ पर. आजकल वो कैंपेन भी जो है उसकी शुरुआत कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं. आपको लगता है, जो आपने पर्सनैलिटी पॉलिटिक्स की बात की, आपने कन्हैया कुमार के भी जिक्र में पर्सनैलिटी की बात कही, आपने कहा पर्सनैलिटी की बात साइड रखते हो, आपने कहा कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो भी होना जरूरी है, जो आपको लगता है कि मनोज तिवारी के पास है. लेकिन अगर मैं पर्सनालिटी की बात करूँ, कन्हैया कुमार के पास अगर वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं है, तो क्या वो पर्सनालिटी है उनके पास? देखिए, अगेन पर्सनालिटी मैटर करती है, लेकिन मैं दिल्ली में ऐसा मानूंगी कि इट इज मोर बीजेपी वर्सेस आप, रादर देन बीजेपी वर्सेस कांग्रेस. कांग्रेस को कोई बहुत खास उस तरीके का माइलेज लेकिन मुझे नहीं लगता है. इसमें एक चीज मैं और जोड़ रही हूँ कि कन्हैया कुमार जो कि ऑब्वियसली कांग्रेस नेता हैं, वो आम आदमी पार्टी के नेताओं से मिलने जा रहे हैं आजकल, वो सुनीता केजरीवाल उनकी पत्नी से मिलने गए. लेकिन नेताओं से मिलना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि एक ग्राउंड लेवल पर आपकी पहुँच कितनी है. इट इज़ नॉट इनफ कि आप कुछ बातें कर पाएँ, लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट है ना कि जैसे आपका परफॉर्मेंस क्यों अच्छा रहा. आप देखिए 2019 में भी वो वाला जो इलेक्शन था, बिकॉज उनकी जो पहुंच है एक आम मतदाता के रूप में, और आप जो है वो दिल्ली के मतदाता की नब्स को समझता है,
और उनका रीच है, उनके साथ कनेक्ट कर देते हैं। जैसे कन्हैया जी का, इनका पहले जो बैकग्राउंड था वो कम्युनिस्ट पार्टी से था, फिर कांग्रेस से है। एक चीज़ ये है कि जब तक आपको उस लेवल पे, मतलब जस्ट इलेक्शन हुआ और आपने कनेक्ट बनाया, इट इज़ अ वेरी स्मॉल टाइम फाइन। तो मुझे तो उतना नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा मिराकल टाइप आई डोंट एक्सपेक्ट, और आई बिलीव द फाइट विल बी ऑफ कोर्स बिटवीन द आप एंड द बीजेपी कैंडिडेट, बिकॉज आप डज हैव अ सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन्फ्लुएंस अमंग द huge section of the Delhi voters and especially those for whom elections matter a lot. जैसे अगर हम elite class की बात करें तो हो सकता है कि उनके लिए election उतना matter नहीं करता है, लेकिन जो ज़मीन पर लोग हैं, जो vulnerable section हैं, जिनके लिए education बहुत important चीज़ है, जिनके लिए basic health important चीज़ है, शायद वो जो एक आपका जो एक वोट है दैट विल रिमेन मोर इंटैक्ट। जी जी, इसीलिए मैं फिर एक बार कन्हैया पर ही सवाल पूछूंगी। ये कि आपने कहा कि आम आदमी पार्टी का अच्छा खासा दिल्ली में, दिल्ली के वोटर्स के बीच में इन्फ्लुएंस है, उनका काम है जी, और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली में गठबंधन में लड़ रहे हैं। कन्हैया कुमार जो है वो सुनीता केजरीवाल से मिलने जा रहे हैं, दूसरी तरफ वो संजय सिंह से भी मिलने जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के नेताओं से मिलने जा रहे हैं। उनका जो पोस्टर दिखाई देता है उसमें अरविंद केजरीवाल की तस्वीर है, तो आपको लगता है इससे ये जो आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी का इन्फ्लुएंस है, तो क्योंकि गठबंधन है दोनों पार्टियों का, इसलिए बेनिफिट कन्हैया कुमार जैसे नेताओं को भी होगा उस बात का? बट वोटर्स के लिए भी ये मैटर करता है कि आप अचानक एग्जिस्टेंस में आ गए या आपका एक काम हुआ है। और मैंने देखा है कि जो इंडियन वोटर्स का वोटिंग बिहेवियर है दैट इज़ वेरी सेंसिटिव, दे अंडरस्टैंड। और अगर कोई वेव चल रही होती है, तो अगर आप बिल्कुल न्यू कमर भी हैं और आप अचानक भी आते हैं तो उसका एडवांटेज होता है, लेकिन जिस समय वेव नहीं है उस समय आपका जो काम है वो बहुत मैटर करता है। तो दिस इज़ व्हाट आई बिलीव कि एक लीडरशिप होती है जो ऑर्गेनिक लीडरशिप है, और एक लीडरशिप है जो टॉप डाउन है, तो उसके परफॉर्मेंस में काफ़ी डिफरेंस है। और जहाँ तक मैंने इन दिल्ली के वोटर्स का बिहेवियर पढ़ा है, समझा है, तो आई बिलीव दैट दे हैव अ वेरी ऑर्गेनिक अप्रोच एंड वेरी मैच्योर अप्रोच टुवर्ड्स द इलेक्शंस। अच्छा, आपने एक और बात कही कि इंडियन वोटर्स जो हैं वो सेंसिटिव होते हैं, क्या उसी का नतीजा है कि अभी तक जो फेजेस ऑफ पोलिंग हमने आते हुए देखे उसमें पोलिंग परसेंटेज गिरता हुआ नजर आया, उसका नुकसान दोनों तरफ होता दिखाई दे रहा है, भाजपा को भी और इंडिया अलायंस को भी होता दिखाई दे रहा है, तो ये क्या सेंसिटिव हैं या क्या कारण है, या फिर या फिर आपने मान लिया है कि नतीजा यही होने वाला है? देखिए, दो तीन चीज़ें हैं, मैंने वही बताया कि जो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी टर्नआउट है उसके लिए वेव चाहिए होती है। सेकेंड चीज़ है, वेव है या नहीं, पहले तो नहीं, मुझे कहूँगी कि वेव नहीं है, वेव समहाउ नहीं बन पाई, वेव क्या कहें, या कोई बहुत स्ट्रॉन्ग नैरेटिव नहीं बन पा रहा है अभी दोनों ही तरफ से, क्योंकि जो अपोजिशन है उसका इंडिपेंडेंट नैरेटिव नहीं है, और रूलिंग पार्टी का कोई बहुत स्ट्रॉन्ग नैरेटिव समहाउ किसी भी रीज़न से वो एक चूक रही, मैं कहूँगी वो एक चूक है। सो नेक्स्ट ये है कि जब भी आप 10 साल सरकार में हैं तो ऑब्वियसली एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर आता है, तो कुछ लोग उसको लेकर के उनका वोटिंग बिहेवियर शेप होता है। दूसरा ये है कि विकल्प में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं समझ में आता है कि हाँ एक ऐसा विकल्प है जिसमें बहुत कॉन्फिडेंटली आप सेलेक्ट कर पाएँ। तो मोस्ट ऑफ द वोटर्स मे बी इन द पोजिशन ऑफ डिलेमा फाइन, एंड दैट मे बी अ रीज़न कि जितना टर्नआउट पिछले इलेक्शंस में देखा गया शायद उतना नहीं है, और हो सकता है कि अभी और भी बहुत सारे इलेक्शंस होने वाले हैं, थिंग्स चेंज इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में तो ऐसा कहा जाता है कि एक सेकेंड, एक दिन और एक घंटा, मतलब बहुत बड़ी चीज़ होती है, थिंग्स में चेंज ऑल्सो। अभी इसी समय अगर किसी भी कारण से कोई वेव बन जाए, कोई नैरेटिव बन जाए, तो
देयर इज अ लॉट टू रिकवर द लॉस्ट ग्राउंड जी. और दूसरी तरफ अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो की, दूसरी तरफ बीजेपी का भी मैनिफेस्टो आया. कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि भाई बीजेपी के मैनिफेस्टो में खास तौर पर रोजगार को लेकर कुछ पुख्ता बात नहीं की गई, या फिर जो युवाओं के मुद्दे हैं उसको लेकर बात जो है ठोस बात नहीं की गई. हालांकि उस पर जाहिर सी बात है भाजपा का भी काउंटर है, उनका भी दावा है कि हमने इतनी नौकरियां दी है या फिर इतना रोजगार दिया है. आप क्या कहेंगे, ये जो रोजगार का मुद्दा है जिसे कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में शामिल कर लिया है, या फिर बेरोजगारी पर वो कह रहे हैं हमने सबसे बड़ा मोर्चा जो है वो बेरोजगारी पर खोला है, बेरोजगारी जैसी समस्या पर आप क्या कहेंगी, क्योंकि आप उन्हीं स्टूडेंट्स के बीच रहती हैं जो मार्केट में निकलते हैं, जॉब ढूंढते हैं, ब्यूरोक्रेट बनना चाहते हैं, सपने देखते हैं. देखिए, दो तीन चीज़ें हैं. जैसे बेरोजगारी की जो समस्या है ये केवल डोमेस्टिक नहीं है जी, बिकॉज हम इसको इंटरनेशनल इकोनॉमी से कम्प्लीटली अलग करके नहीं देख सकते हैं. बिकॉज ग्लोबल स्लो डाउन है, पहले कोविड के कारण, फिर US चाइना जियोपॉलिटिक्स के कारण, तो आपको एक एक्सटर्नल फैक्टर भी अकाउंट में लेना पड़ेगा. नेक्स्ट है कि रोजगार का सृजन, बट रोजगार का सृजन आप कैसे करेंगे और कहाँ से करेंगे, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट इशू. बिकॉज इंडिया हैज टू मैनेज बोथ इट्स ग्रोथ, रेट ऑफ ग्रोथ, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा वेलफेयरिस्ट पॉलिसीज पे जाते हैं तो वो इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर्स हैं उसके सेंटिमेंट को इम्पैक्ट करता है. बिकॉज हम नियो लिबरल वर्ल्ड में हैं, हम किसी भी कंट्री का एक कंपल्शन है कि आप कैसे फिस्कल डेफिसिट और इन चीज़ों को कंट्रोल करें. तो इशू ये है कि रोजगार सृजन कैसे किया जाए. फाइन, और ये केवल डोमेस्टिक इशू नहीं है, लेकिन ये चैलेंज है कि नहीं है? ये चैलेंज है, बहुत ज़्यादा चैलेंज है. इंडिया में जो एक बहुत बड़ी यूथ पॉपुलेशन है, एक्चुअली लोगों के लिए तो मुद्दा है क्योंकि उनके लिए लाइवलीहुड कंसर्न है, बट समस्या ये है कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज या सरकारों के पास सोल्यूशन है. तो सोल्यूशन भी उतना ही चैलेंजिंग है. हम इलेक्शन में वायदे कर सकते हैं, फाइन, बट वॉकिंग द टॉक, बिकॉज यू रिक्वायर अ फंडामेंटल स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन. फाइन, तो आज हम ऐसे युग में रह रहे हैं, इसमें रोजगार की जगह वी हैव टू बिकम मोर एंटरप्राइजिंग. बहुत स्किल डेवलपमेंट में जो भी सरकार स्किल को फोकस करे, बिकॉज जॉब्स को क्रिएट कर पाना दैट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. फाइन, लेकिन आपको लगता है सरकार क्योंकि स्किल डेवलपमेंट की बात करती है या फिर रोजगार की जब बात करती है, आपको लगता है कि वो क्या वो भाषणों तक सीमित है या फिर वो जमीन पर भी उतारने की कोशिश कर रही है सरकार? मुझे ऐसे लगता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको एक बहुत क्लियर पिक्चर हमारे युवाओं को देनी पड़ेगी. शायद लोग सोचते हैं कि उसके कारण हमारा जो इलेक्टोरल सेंटिमेंट है वो इम्पैक्ट होता है, तो लगभग अक्सर ये होता है कि हम सही चीज़ सामने शायद नहीं रख पाते हैं, और युवाओं को भी हमको एक रियलिटी से अवेयर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक्चुअली एम्प्लॉयमेंट की संभावनाएं हैं कितनी. बट इट डजेंट मीन कि संभावना नहीं है, हमें शायद एक मेंटेलिटी और एक एटीट्यूडनल चेंज की ज़रूरत है जिसमें लोग एंटरप्रेन्योरशिप को ज़्यादा फोकस करें, कॉम्पिटिटिवनेस को ज़्यादा फोकस करें, जॉब क्रिएट करने पर ज़्यादा फोकस करें, रादर देन इस मेंटेलिटी में आना कि हमें एक सरकारी नौकरी मिल जाए या हमें ये नौकरी मिल जाए. क्योंकि नौकरी मिलना या नौकरी का क्रिएशन ये कई अन्य चीज़ों पर निर्भर होता है, लेकिन साथ में अगर आपके पास स्किल्स है आप इनोवेट कर सकते हैं, आप एक जॉब क्रिएट कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं. और इंडिया में आई बिलीव हम बहुत सारा स्कोप है, बहुत सारे मार्केट्स हैं जिसको जिसका पोटेंशियल पूरी तरह रियलाइज़ नहीं हुआ है, लोग कर भी रहे हैं. तो
जॉब के मुद्दे को ही एक अलग ढंग से सोचना इम्पॉर्टेंट है। मैं कहूँगी कि सरकार की प्रायोरिटी एग्रीकल्चर की तरफ होनी चाहिए कि स्टिल एग्रीकल्चर कंटिन्यूज टू बी द बैकबोन, कि कैसे उसको इन्वेस्ट किया जाए, उसमें कैसे उसको रेम्यूनरेटिव बनाया जाए, बजाय कि हम बहुत ज़्यादा सरकारी या प्राइवेट सेक्टर की नौकरी के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि वो नहीं हो पाएगा। इट्स अ ग्लोबल प्रॉब्लम। और कि आपने बात की सरकारी नौकरियों की, इसलिए सवाल ये भी आता है कि ये जो ड्विंडलिंग वैकेंसीज हैं सरकारी नौकरियां हैं, या फिर यूपीएससी में हम देखते हैं इतने सारे बच्चे अप्लाई करते हैं, उसमें से कितनों का चयन होता है, मुट्ठी भर का बिल्कुल चयन होता है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? क्या ये जो हाइप है, क्या ये हाइप से बच्चों को भी दिमाग हटा लेना चाहिए, या ये गलत सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ? देखिए, यूपीएससी एक करियर चॉइस है, क्योंकि उसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब बच्चे यूपीएससी की परीक्षा के लिए आते हैं, खासकर दे आर ऑलरेडी इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, और शायद सिविल सर्विसेज में आना एम्प्लॉयमेंट अलोन उसका मोटिवेशन नहीं है, उसके अन्य मोटिवेशन भी हैं। और यस, अगर आपको लगता है कि आप यूएन में अपने देश को रिप्रेजेंट करें या आप डिसीजन मेकिंग में जाते हैं, तो यूपीएससी एक फील्ड है। बट यूपीएससी और एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है, आप उसको केवल सरकारी नौकरी और उससे रिलेट करके नहीं देख सकते। मुझे तो ऐसे लगता है कि वी हैव टू सी हाउ अदर कंट्रीज लाइक चाइना एंड अदर कंट्रीज हैव क्रिएटेड लॉट ऑफ, दे हैव इन्वेस्टेड लॉट ऑफ इन देयर ह्यूमन डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, क्योंकि जो आगे आने वाला समय है वो एंटरप्रेन्योरशिप का ही समय है, और हमें एक बच्चों का माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है, हमारी इकोनॉमी का एक बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन करने की ज़रूरत है। और फिर मैं वही कहूँगी कि सरकार को एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ों को बहुत स्ट्रेटेजिकली देखना होगा। अच्छा। क्योंकि देयर इज़ अ लॉट एग्रो इंडस्ट्रीज हैं। मैं जब भी यूथ से इंटरेक्ट करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है। मतलब देयर आर ऑप्शंस, देयर आर मैनी अदर थिंग्स विच कैन बी एक्सप्लोर्ड। तो हो सकता है कि ये जो इशू है हम एक डिफरेंट ढंग से नहीं देख रहे हैं एम्प्लॉयमेंट को। व्हाट वी वांट कि एक हमें स्थायी नौकरी मिल जाए, और उसी मेंटेलिटी में हम रह रहे हैं, शायद उस मेंटेलिटी को ब्रेक करना होगा। और मैं एक बार काफ़ी इम्प्रेस हुई थी चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, उनका एक भाषण था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, तो उन्होंने कहा कि इनोवेशन इज़ द की। अगर हम इनोवेशन करते हैं तो लॉट ऑफ मार्केट्स कैन बी क्रिएटेड, लॉट ऑफ जॉब्स कैन बी क्रिएटेड। तो शायद पूरा एम्प्लॉयमेंट डिबेट पर एक नए दृष्टिकोण से देखना होगा। सी, एम्प्लॉयमेंट एंड अदर थिंग्स आर ऑल्सो लिंक्ड टू सो मच सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, डोमेस्टिक, एक्सटर्नल। तो एक बहुत होलिस्टिक ढंग से कोई आएगा वो कहेगा कि हम जॉब सृजन कर देंगे, इतना बड़ा मिराकल, जिस एक्सपेक्टेशंस के साथ हम कहते हैं वो होना बहुत मुश्किल है। तो यू नीड एक्चुअली पॉलिटिकल साइंस में ही एक थिंकर हैं हेबरमास, तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बताया है लेजिटिमेशन क्राइसिस, शायद लोगों को जानना चाहिए कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का एक समस्या ये हो गई है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं दे हैव टू गेट द वोट्स, सो दे हैव टू मेक द प्रोमिसज टू द वोटर्स, बट वो जो प्रोमिसज हैं वो एक लिमिट तक ही पूरे किए जा सकते हैं, एंड अल्टीमेटली उसके कारण क्या होता है कि एक डिसअपॉइंटमेंट आता है, जिसको वो लेजिटिमेशन क्राइसिस बोलते हैं। अच्छा। व्यवस्था की तरफ तो उन्होंने सोल्यूशन ये निकाला है, उन्होंने बताया है कि आज जो पॉलिटिक्स है, जो
पॉलिटिकल पार्टीज तक लिमिट हो गई है या जो मीडिया तक लिमिट हो गई है, आज की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स रियल डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स नहीं है। तो जो रियल डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स होती है वो पब्लिक स्फीयर में होती है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट का समाधान या अन्य भारत की जो भी समाधान है वो समाधान लोगों से आएगा, वो समाधान पॉलिटिक्स से नहीं आएगा, वो समाधान एक्सपर्ट्स से भी नहीं आएगा। अगर समाधान है किसी के पास तो लोगों के पास है। वास्तविक स्थिति हमें लोगों के सामने रखनी पड़ेगी, उनको अवेयरनेस लानी पड़ेगी कि जॉब क्रिएशन में ऐसी ऐसी संभावनाएं हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भारत में जो एक काफ़ी पेसिमिस्टिक चीज़ है वो है कि ये जो इनइक्वालिटी का राइज है, फाइन, जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉब्लम है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन सर्टेन सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होना चाहिए कि कैसे हम ऐसी पॉलिसीज लाएं, ऐसा मैकेनिज्म्स लाएं। आई विल ऑलवेज से कि पावर्टी इज नॉट जस्ट एन एब्सेंस ऑफ इनकम, इट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशनल एंगल, बिकॉज भारत में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ भी बहुत ज़्यादा है और ये जो एक असंतुलन है इसको ठीक करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और क्योंकि आप इससे पहले समाधान की बात कर रहे थे, दो विषय हैं जिन विषयों पर युवा जो है समाधान चाहते हैं, वो है एक तो पेपर लीक की समस्या, क्योंकि पेपर लीक ना सिर्फ वो टीवी पर चल रही है जस्ट अ फ्लैश ऑफ खबर नहीं है, उसके पीछे कई सालों की तैयारी लगी होती है एक स्टूडेंट की, जो जेन्युइन छात्र हैं जो बिना चीटिंग करे बिना फॉर्ज करे वहाँ तक बैठ रहे हैं, वो पेपर लीक हो जाता है या फिर वहाँ कुछ डमी कैंडिडेट्स का इशू हो जाता है या कुछ भी ऐसा हो जाता है, तो बहुत सारे सपने टूट जाते हैं साथ ही साथ। और उसके बाद जैसे मान लीजिए आरओ के पेपर लीक की बात हुई, उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रही हूँ, उसके बाद नई डेट अब तक नहीं आई है, तो एक स्टूडेंट जो है वो कब तक इसका इंतज़ार करेगा कि मैं कब पेपर लिखूँगा, वो ये नहीं डिसाइड कर पा रहा। हाँ, तो इसके लिए तो वही है ना कि ये तो गवर्नेंस फेलियर है और सरकार की जवाब में इसको लेकर लॉ लेकर आ रही है, आई। बट लॉ आने के बाद भी हमारे पास लॉज तो बहुत सारे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का क्या? ठीक है, तो वो जो एक पॉलिटिकल विल होनी चाहिए कि जो भी चीज़ें हों वो ट्रांसपेरेंसी के साथ हो, अकाउंटेबिलिटी के साथ हो, और पब्लिक का जो ट्रस्ट है दैट शुड नॉट बी इम्पैक्टेड। और ये तो एक बहुत स्ट्रेटेजिक मुद्दा है, स्पेशली आप देखिए कि हमारे जो बच्चे हैं उनमें और भी कितनी तरीके के फ्रस्ट्रेशंस हैं, अनएम्प्लॉयमेंट एक इशू है, हालांकि मैंने ये भी कहा कि एक कल्चरल एंड स्ट्रक्चरल चेंज की ज़रूरत है, लेकिन अभी जो बच्चे हैं उनकी जो मानसिकता है उनमें ऑब्वियसली इतना जल्दी इतना चेंजेस नहीं आ सकते हैं। जो आपने अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर बात की, आपको लगता है कि जब आप या तो खबर देखते हैं या खुद बच्चों से जब बात करते हैं, आपको लगता है कि उतना आक्रोश है अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर, आक्रोश है मौजूदा सरकार के खिलाफ, लेकिन क्या वो वोटों में बदलता है? ये भी एक सवाल दूसरा है कि क्या जब बच्चे जब जो फर्स्ट टाइम वोटर है बदल सकता है। और एक वर्ग है ना भारत में, एक बहुत बड़ा मिडिल क्लास है, और जो प्राइमरीली जॉब्स पर निर्भर करते हैं, जो एक लोअर मिडिल क्लास सेक्शन है उनके लिए मैटर करता है, और वो बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं। और चूंकि इस बार कोई और मुद्दा नहीं है, इन द सेंस कि पुलवामा के टाइम एक मुद्दा था या पहले एक मुद्दा था, तो ऑब्वियसली लोग आज एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोच रहे हैं, एंड दिस विल बी इम्पैक्ट होगा इस टाइम। कैन दिस बी अ गेम चेंजर? इट मे नॉट बी अ गेम चेंजर, बिकॉज अभी भी हम कह सकते हैं कि जो मेजर डिटर्मिनेंट्स रहेंगे इलेक्शंस के, वो कास्ट रहेगा, वो रिलीजन रहेगा, और एम्प्लॉयमेंट इतना बड़ा मुद्दा नहीं रहेगा, लेकिन कि वो गेम चेंजर हो। लेकिन क्योंकि आपने कास्ट रिलीजन की बात की,
माफ कीजिएगा टोक रही हूँ आपको, लेकिन कास्ट रिलीजन की बात की तो प्रधानमंत्री मोदी ने हाल में एक बयान दिया जिससे जिसको कांग्रेस पार्टी ने भी कहा कि विपक्ष ने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ बयान दिया है, मुसलमानों को घुसपैठिया कह दिया, इस तरीके से वो बात सामने आई। और प्रधानमंत्री ने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी आपका मंगलसूत्र छीन के मुसलमानों को दे देगी, इस तरह का एक नैरेटिव बिल्डिंग जो है वो दोनों तरफ से इस तरह की बात आई। आपका उस बयान पर क्या कहना है? क्योंकि मेरा हिसाब से इस तरीके के बयान नहीं होने चाहिए, क्योंकि आप समझते हैं कि जो भारत है वो एक मल्टी कल्चरल मल्टी रिलीजियस देश है और हमें हमारे पास वैसे ही बहुत सारी समस्याएं हैं। हमारे पास बेरोज़गारी की समस्या है, हमारे पास अगर आप देखें नेबरहुड कि कैसे चाइना जो है वो लगातार भारत के सिक्योरिटी को चैलेंज कर रहा है, तो उसमें इन मुद्दों को आगे ले जाना शायद वो राष्ट्रहित में मैं नहीं मानती हूँ। और प्राइम मिनिस्टर का जो स्टेचर है, आई बिलीव कि उनके द्वारा अगर ये आया है तो थोड़ा सा सोचने का विषय है। और आगे जितना ज़्यादा हो सके हम इन मुद्दों को जो जो एक सोशल हार्मनी है उसको इम्पैक्ट करें, उन मुद्दों को ना उठाएं। और अगर हम मैन ऑफ सब्सटेंस बने, हम कोर मुद्दे उठाएं, और जो भारतीय वोटर्स हैं दे आर वेरी सेंसिटिव वेरी सेंसिबल एंड वी शुड नॉट, मतलब पॉलिटिशियंस अक्रॉस वो मतलब वो ये ना देखें कि इन चीज़ों से हम अट्रैक्ट कर सकते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। वी हैव वेरी मैच्योर वोटर्स हम कह सकते हैं, तो हम एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की शुरुआत करें, हम अपने लोगों के कोर इश्यूज को देखें। एक समाधान और कुछ युवा जो है वो चाह रहे हैं, जब अग्निपथ योजना की घोषणा देश भर में हुई उस वक्त आपने देखा होगा विरोध जो है वो दिखाई दिया सरकार की योजना के खिलाफ, क्योंकि जो सेना में भर्ती चाहते हैं वो कहते हैं कि सेना हमारे लिए 4 साल की जॉब नहीं है, हमारे लिए सेना इज़ एन इमोशन, हमारे लिए सेना की एक अलग ही वैल्यू है और बचपन से वो सपना देखते आ रहे हैं। उस बीच जब अग्निपथ योजना आती है तो इस तरह का विरोध देखने को मिलता है। उसके अलावा 1.5 लाख ऐसे युवा हैं जो पहले की भर्ती प्रक्रिया के तहत उनकी भर्ती हो रही थी, किसी की फाइनल स्टेज में थी, किसी की लगभग हो चुकी थी, वहाँ पर उसे तब पॉज कर दिया गया, पॉज नहीं कर दिया गया बल्कि रद्द कर दी गई वो 1.5 लाख भर्तियाँ जब अग्निपथ योजना आई। तो वो 1.5 लाख एक तरफ, और जो अभी इस रिक्रूटमेंट में इस अग्निपथ योजना में शामिल हो रहे हैं उनका उनकी बात एक तरफ। देखिए अब ये क्या सोच के किया गया वो एक प्रश्न है कि अक्सर गलतियां हो सकती हैं, और जब भी जो भी पॉलिसी बने वो एडहॉक नहीं होनी चाहिए। अगर आपने एक पॉलिसी रखी है कि भाई इतनी भर्तियां हैं, आपने अनाउंस किया है, तो पॉलिसी एडहॉकिज्म शायद कभी भी उतना अच्छा रोल प्ले नहीं करता है। नेक्स्ट है कई चीज़ें, मुझे ऐसा लगता है कि जो गवर्नमेंट है वो अपनी बात समझा नहीं पा रही है। अगर हम देखें कि इंडिया में पिछले कुछ वर्षों में डिफेंस बजट तो बढ़ा है, लेकिन हमारा और अगर हम चाइना के डिफेंस बजट को देखते हैं तो हमारा बहुत सारा डिफेंस का एक मेजर सेगमेंट जो है वो पेंशन्स के ऊपर जाता है, वो जॉब्स के ऊपर जाता है, जबकि चाइना जो है वो बहुत मॉडर्नाइजेशन का काम कर रहा है। तो शायद यही सोचते हुए ये निर्णय लिया गया होगा, लेकिन समस्या ये है कि पब्लिक पॉलिसी जो भी हो उसमें उसकी अपनी एक ये वर्च्यू है कि उसमें लॉन्ग टर्म होना चाहिए, एक एडहॉक मेजर्स में कि आप पहले कुछ कर रहे हैं फिर अचानक आप उसको बदलने लगे। एक सवाल नहीं है, एक्चुअली 2-3 चीज़ें हैं। अच्छा। 2-3 नाम हैं जो मैं आपको दूंगी और वो नाम सुनते ही आपके मन में जो शब्द आए वो आप कहिए। अच्छा, ओके। सबसे पहले जो हम बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी का नाम आता है तो मन में क्या शब्द आता है? मेरे मन में शब्द आता है कि वो जो सोचते हैं वो करते हैं, ही इज अ मैन ऑफ एक्शन, वॉट एवर ही थिंक्स ही डज इट। ठीक है, तो यही है, मैन ऑफ एक्शन आप उन्हें कह रहे हैं, मैं कहूंगी ये शब्द आता है। राहुल गांधी के बारे में सोचते हैं क्या आता है? राहुल गांधी इज अ गुड पर्सन,
ही इज़ वेरी गुड एट हार्ट, बट मे बी जो मैं बताना चाहूँगी, जैसे एक स्कॉलर है मैकियावेली कहता है कि इन पॉलिटिक्स अ प्रिंस शुड नो हाउ टू बी बैड, और शायद जब आप बहुत अच्छे हो सकते हैं तो हो सकता है आप मिसफिट भी हो। ठीक है, तो ये आपको लग रहा है कि राहुल गांधी पे अप्लाई हो सकता है कि शायद ही इज टू गुड एज अ पर्सन, बट एज अ पर्सन इज वेरी गुड, बट एज अ पॉलिटिशियन मे बी ही इज स्टिल हैज टू गेन मोर मैच्योरिटी। जी, प्रियंका गांधी के बारे में मैं कहूँगी कि वो एक बहुत अच्छी बहन है और वो अपने भाई के लिए पूरी जी जान से जुटी हुई हैं, और पिछले कुछ दिनों में मैंने देखा है कि उनके अंदर पहले से अधिक परिपक्वता आई, तो आई विल से शी इज़ अ वंडरफुल डॉटर एंड अ वंडरफुल सिस्टर, एंड दिस इज़ व्हाट सो फार आई कैन। सोनिया गांधी को मैं मानूंगी कि एक विदेशी पृष्ठभूमि से आने के बाद भी उन्होंने भारतीय संस्कृति को जिस हद तक स्वीकारा है, बनाया है, वर्थ पाइल है। हम ये भी देखते हैं कि उनका कोई शुरुआत में बहुत राजनीतिक रुझान नहीं था, लेकिन उन्होंने जो भी जिम्मेदारी ली उसको उन्होंने निभाया, एंड जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी उनकी जो पॉलिसीज थी, जो मैं कहूँगी जैसे उन्होंने नैक बनाया था और कई एंटाइटलमेंट बेस्ड गवर्नेंस उन्होंने लाई, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, ये सारी चीज़ें, तो उनका एक अप्रोच है जिसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। बाद में जो भी फेलियर्स रहे या जो समस्याएं रही वो अलग चीज़ है, लेकिन सोनिया गांधी ने उस समय एक अच्छा नेतृत्व दिया जिस समय शायद एक वैक्यूम था, और कह सकती हूँ कि भले उनकी वो फर्स्ट चॉइस नहीं थी, लेकिन शी डिड इन पॉलिटिक्स, शी फुलफिल्ड हर ड्यूटी एज अ वाइफ, हर ड्यूटी एज अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ फैमिली विच इज पॉलिटिकल, एंड आई विल से शी इज़ अ गुड लीडर एंड अ गुड मदर। एक शब्द से बहुत आगे हम निकल गए, पूरा पैराग्राफ आपने लिख दिया। तो आई विल से कि यस, वी हैव टू रिकॉग्नाइज हर कॉन्ट्रीब्यूशन। मैं नाम लूँ अमित शाह का। अमित शाह जो है, मैं कह सकती हूँ कि मोदी जी के लिए पिलर हैं, मोदी जी के वो पिलर माने जा सकते हैं, एंड एक्सेप्शनल सेंस ऑफ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स ही हैज़। अल्टीमेटली देखिए, एक लीडर, बट वही है मैंने कहा ना, ग्राउंड लेवल पर आप जब वोट्स में उन चीज़ों को कन्वर्ट करते हैं तो मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट ऑफ कोर्स। अच्छा, हिंदी में चाणक्य, इंग्लिश मास्टर स्ट्रेटजिस्ट, बिकॉज यस देयर इज अ रोल, डेफिनेट रोल इन इलेक्टोरल स्ट्रेटजी। अच्छा, कन्हैया कुमार अ गुड ओरेटर, ही नोज हाउ टू स्पीक एंड दैट मैटर्स अ लॉट इन पॉलिटिक्स, बट ही हैज टू स्टेबलाइज हिमसेल्फ, ही हैज टू स्टैंड विद हिज आइडियोलॉजी, एंड अगेन मे बी he needs to give more time to the people. एक जैसे आप यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स और जो ग्रास रूट पॉलिटिक्स है उसमें काफ़ी बड़ा अंतर है, शायद मैं यही कहना चाहूँगी। और अंत में निधि तनेजा, आई हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस एंड वेरी अपकमिंग ब्राइट, एंड आई बिलीव दैट यू हैव अ वेरी गुड फ्यूचर इन टाइम टू कम, एंड आई विश यू lot of luck. तो बहुत बहुत शुक्रिया शुभ्रा रंजन जी, पॉलिटिकल साइंस की टीचर है। बहुत सारे पॉलिटिकल सवाल इनसे हुए, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। और आपने देखा होगा कि चुनावी कवरेज जो है वो न्यूज तक पर लगातार जारी है, अलग अलग शोज के, अलग अलग माध्यम के जरिए जो है हम आपको कवरेज जो है वो दिखा रहे हैं। लोगों की राय क्या है, टीचर्स, प्रोफेसर, स्टूडेंट्स, आम युवा, जनता, बुजुर्ग, हर किसी की राय क्या है, महिलाएं क्या चाह रही हैं, हर तरह का वोटर इस बार किसकी तरफ झुकाव है जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग भी अपनी राय जो है वो कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं। कवरेज आपको कैसी लगी कमेंट्स में लिखकर बताएं, और देखते रहिए न्यूज तक। कैमरा पर्सन रंजीत के साथ निधि तनेजा, न्यूज तक।